मोदी सरकार को देश की सत्ता संभाले 8 साल होने वाले हैं। इस दौरान देश आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना कर रहा है। जीडीपी में गिरावट आ रही है। उछाल सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई में ही देखा जा रहा है। इसके अलावा कहीं और उछाल दिखाई देता है तो वो है बीजेपी की कमाई में। बीजेपी का खजाना इन सालों में 4 गुना रफ्तार से बढ़ा है। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार 7 चुनावी ट्रस्टों को कॉरपोरेट और दूसरे व्यक्तियों से दान के रूप में 258.49 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 82% से भी ज्यादा रकम गई है। चुनावी ट्रस्ट एक गैर लाभकारी संगठन होता है। इसके जरिए राजनीतिक दल कॉरपोरेट संस्थानों और दूसरे व्यक्तियों से पार्टी फंड हासिल करते हैं। आज आई एडीआर की रिपोर्ट में 23 में से 16 चुनावी ट्रस्टों ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुए चंदे की जानकारी दी। इनमें से सिर्फ 7 ट्रस्ट ने दान मिलने की बात कही है। कॉरपोरेट से 258.491 करोड़ का चंदा मिला है। दूसरे राजनीतिक दलों को 258.431 करोड़ रुपए बांटे गए। अकेले बीजेपी को 212 करोड़, 10 दलों को कुल मिलाकर 10.45 करोड़ मिले हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी को 212.05 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कुल राशि का 82.05% है। वहीं बिहार में बीजेपी के साथ राज्य की सत्ता पर काबिज जनता दल यूनाइटेड को 27 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा 10 अन्य राजनीतिक दलों को चुनावी ट्रस्टों से मिले दान में कुल 19.38 करोड़ रुपए मिले हैं। इन पार्टियों में कांग्रेस, एनसीपी, अन्नाद्रमुक, द्रमुक, राजद, आप, लोजपा, सीपीएम, सीपीआई और लोकतांत्रिक जनता दल शामिल है। बीजेपी को हर वित्त वर्ष में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी तादाद में चंदा मिल रहा है और कांग्रेस को मिलने वाला चंदा हर साल कम होता जा रहा है। मौजूदा वक्त में देश का खजाना खाली है, लेकिन बीजेपी का खजाना भर रहा है।